आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में, और ये फैक्ट्स रिलेटेड हो गए फूड से। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फैक्ट नंबर वन की अगर हम बात करें तो ये रिलेटेड है आपके हनी से, जो आप डेली यूज में हनी का इस्तेमाल करते हैं। क्या आपको पता है जो आप हनी इस्तेमाल करते हैं उसमें उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है? जी हाँ दोस्तों, ये हनी कभी भी स्पॉयल नहीं होता है। और अगर मैंने हनी के बारे में बता दिया तो एक बात और बता देता हूँ, हनी जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं, जो हनी भी होती है उसे अगर 1 किलो अगर हनी देना है उसके लिए वो 4 मिलियन फ्लावर्स विजिट करते हैं। सोच सकते हैं 4 मिलियन यानी कि 40 लाख फ्लावर पे जाने के बाद उसके 1 लीटर हनी आता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए हनी इसलिए महंगी होती है। फैक्ट नंबर टू की बात करते हैं। फैक्ट नंबर टू यह है कि एप्पल जो सेब है वो कॉफी से ज्यादा इफेक्टिव है आपको जगाने में, यानी कि आप नींद में, जैसे कि आप लोग ज्यादातर सुनते होंगे कि अगर आपको नींद आ रही है सुबह तो यार एक कप कॉफी पी लो, लेकिन कॉफी से ज्यादा इफेक्ट करता है एप्पल। अगर आप सुबह में उठने के लिए अगर आप एप्पल का इस्तेमाल करते हो तो वो ज्यादा बेहतर है। फैक्ट नंबर थ्री की बात करते हैं, जो चावल, जो राइस जो हम घर लोग पे खाते हैं, जैसे कि भारत में ज्यादा लोकप्रिय है, लेकिन ये सबसे पहले कल्टीवेट किया गया था थाईलैंड में, वो भी 3500 BC में। फैक्ट नंबर फोर की बात करते हैं, जो ग्रेप्स होते हैं वो एक्सप्लोड कर जाते हैं जब आप उसे माइक्रोवेव में रखते हैं। एक्सप्लोड यानी कि फटते हैं, वो फटने लगते हैं अगर आप उसे माइक्रोवेव में रखते हैं तो उसके टेम्परेचर और प्रेशर के कारण वो फट सकते हैं। और एक अमेजिंग बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो एप्पल, ओनियन और पोटैटो, इन तीनों का जो टेस्ट है वो साइंटिफिकली प्रूफ किया गया है कि एक ही है, लेकिन उसके फ्लेवर में, बस उसके स्मेल के कारण हमें लगता है कि ये तीनों का टेस्ट अलग है, लेकिन दोस्त इन तीनों का टेस्ट एक ही है, क्योंकि बस इसके स्मेल के कारण हमें लगता है कि ये तीनों अलग है, ज्यादा इसके टेस्ट में कोई अंतर नहीं है। फैक्ट नंबर फिफ्थ की बात करते हैं, जो बंदा गोभी है यानी कि कैबेज, सबसे पहले डिस्कवर किया गया था अमेरिका में। इसका सबसे पहले जो खोज हुई थी वो अमेरिका में हुई थी, वहां से ही यहाँ पूरे विश्व में इसे फैलाया गया है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं, एलमंड्स जो हम बादाम है वो सबसे पुराना है, यानी कि वो सबसे पुराना और सबसे ज्यादा वाइडली कल्टीवेट किया जाने वाले में से क्रॉप्स है। लेकिन मुझे यार ये समझ नहीं आता कि सबसे महंगा क्यों और सबसे ज्यादा इसे भी लोग इस्तेमाल करते हैं एलमंड का। सैफ्रन यानी कि केसर, इसे वर्ल्ड में सबसे एक्सपेंसिव हर्ब्स में से गिना जाता है, यानी कि सबसे ज्यादा महंगा अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो केसर है, वो भी हर्ब्स में। तो यार आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप इसी तरह के फैक्ट्स और साइंस से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल आदित्य टेक फैक्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन को दबाएं अगर आप हमेशा अपडेट पाना चाहते हैं। तो फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।